हिमाचल कांग्रेस सरकार ने एक साल को चैलेंज के रूप में लिया है, जिसको लेकर मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि हमारा एक साल का कार्यकाल चुनौतीपूर्ण रहा है, हमें हिमाचल को अपने पैरों पर खड़ा करना है, बेहतर इंतजाम इसको लेकर किए गए थे, इसके लिए बैठक की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम एक साल के कार्यकाल को बीजेपी की तरह जश्न जैसा नहीं बल्कि साधारण तरीके से मनाने जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी पर निशाना साधते हुए कि बीजेपी केवल आरोप लगाने वाली पार्टी है, जो काम प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने किया के वो बीजेपी को नजर नहीं आते, शायद बीजेपी नेताओं ने काले चश्मे पहन लिए हैं। हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद कांग्रेस सरकार का एक साल का कार्यकाल पूर्ण होने जा रहा है, इसको हम व्यवस्था परिवर्तन का एक साल के नाम से मनाने जा रहे हैं, क्योंकि ये एक साल जो हमारा कांग्रेस सरकार का रहा है बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा है, संघर्षपूर्ण रहा है। इसमें भारी आर्थिक तंगी के बावजूद और भारी प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद हमने हमारी कांग्रेस की सरकार ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के कुशल नेतृत्व में हमने एक साल को जो है चैलेंज के रूप में भी लिया है, और आने वाले जो समय है उसमें हिमाचल को कैसे स्वावलंबन बनाना है उसकी भी रूपरेखा इस एक साल के अंदर लिखी गई है, और आने वाले समय में हिमाचल को अपने पैरों पर खड़ा करना है उसकी पूरी कोशिश की जा रही है।